हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी की है। नमस्कार साथियों, इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी राहुल जी आपको संबोधित करेंगे। राहुल जी नमस्कार। देखिए, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको कहना चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने दो तीन बार, चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4th जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन June 4th। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं 1st जून। मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3rd जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाई जरा, ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं। और उसके बाद स्लाइड दिखाई जरा, ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं। और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, व्हाई डिड पीएम एंड एचएम
give specific investment advice to the 5 crore family. Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. Main Hindi mein bol deta hoon. Pradhanmantri ne desh ki janta ko investment advice kyun di? Aur 5 crore parivaron ko jo invest karte hain, unko Pradhanmantri ne, Home Minister ne stock kharidne ka aadesh kyun diya? Dusra, dono interviews jo kiye gaye the, wo Adani ji ke jo channels hain, unko diye gaye the. Un par SEBI ka investigation ho raha hai, to us un channels ka kya role hai? Aur BJP ke beech mein jo fake exit pollsters hain aur ye jo foreign investors hain, inke beech mein kya koi rishta hai? Aur agar rishta hai to kya hai? Hum JPC chahte hain, hum investigation chahte hain, aur desh iski sachchai janna chahta hai. Dhanyawad. Shukriya. Bar bar Grah Mantri kehte the ab chronology samajhiye. Aaj Rahul ji ne desh ko chronology samjhaya hai. Iske upar agar aapke sawal hain to ek ek karke aap puchhega, ek ek karke. ये जो इशू है, दिस इज अ ब्रॉडर इशू देन जस्ट द अदानी इशू. इट इज कनेक्टेड टू द अदानी इशू, बट दिस इज अ मच ब्रॉडर इशू. दिस इज डायरेक्टली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, हु आर प्रिवी टू डेटा ऑन एक्चुअल इलेक्शन रिजल्ट्स, हु हैव आईबी रिपोर्ट्स, हु हैव देयर ओन डेटा, who are advising retail investors to buy stock on the, for this has never happened before. And by the way, the Prime Minister has never commented on stock market before this. Haan Siddharth. जिनके शेयर बहुत अप गए, जिनके सबसे ज्यादा शेयर खरीदे गए और जिनके शेयर उसके बाद में बीच में बेचे भी गए, तो इन उन कंपनीज का भी को भी इस दायरे में आना चाहिए आपको लगता है? हमारा कहना है कि यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि स्कैम हुआ है. प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है, इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी. होम मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि खरीदना चाहिए, और जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है, लोग उसको बिलीव करते हैं. तो बिल्कुल क्लियर है कि इन तीन लोगों ने कहा है. यह भी क्लियर है कि इनको मालूम था कि रिजल्ट 400 का नहीं है, 300 का भी नहीं है, तो यह हम पता लगाना चाहते हैं. उसमें आप जो कह रहे हो वो भी शामिल है. राहुल जी, ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंडिया डेली लाइव से. मेरा सवाल यह है कि जो आपने बताया है इतना बड़ा स्कैम है, पहले भी आपने कई मामले उठाए हैं, जेपीसी की मांग पहले नहीं मांगी गई है, तो क्या आपने कहा ये आपराधिक मामला है, क्या कोर्ट में जाएंगे या पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे, क्योंकि आप कह रहे बहुत बड़ा घोटाला है ये? नहीं भैया, मैंने अभी आपने शिकायत दर्ज करेंगे क्योंकि आप कह रहे बहुत बड़ा घोटाला है ये? नहीं भैया, मैंने अभी आपको बोला हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डिमांड. अगर नहीं मांगते तो पुलिस में, कोर्ट में जाएंगे? जो भी करना है करेंगे, बट हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो हुआ है
ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दिया है, होम मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, अदानी जी के चैनल्स के थ्रू इंटरव्यूज किए हैं, और फाइनली लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लोगों ने फाइनेंशियल एक्शन लिया है, कंपनीज ने शेयर खरीदे हैं। इसी विषय पर, इसी विषय पर इस स्टॉक मार्केट घोटाले पर ही हम सवाल ले रहे हैं मौसमी, इसी विषय पर कीजिएगा बस। एक मिनट, आ रहा हूँ यार। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है, तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है, तो क्या नहीं मतलब जनता का पैसा के सेशन वॉटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है, उनका उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आया वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं, आप चेक, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए, बीजेपी का बैच पहनने की सवाल पूछे ना, नहीं आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, सवाल गलत बात है, सवाल पूछे, मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बार कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की यह पोजिशन होती है कि जब भी हम कोई इस मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी एक सेकंड, रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे, अब ऑपोजिशन में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और पूरा जो पार्लियामेंट का की सिचुएशन है वो बदल गई है। हाँ जैनेन्द्र, देश भर के जिनका 30 लाख करोड़ डूबा है, उनमें कर्नाटक के, तेलंगाना के, हिमाचल के भी लोग होंगे, तीनों राज्यों में आपकी सरकार है, क्या राज्य की जो जांच एजेंसी है उसके जरिए आप जो उन राज्यों के निवेशकों का कम से कम पैसा डूबा है, ये जो आप पूरे नेक्सस की बात आप कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्या वहां से इसके बारे में उम्मीद कर सकता है? सोचा जा सकता है, बट ऐसी चीज के लिए शायद जेपीसी सही औजार होगा। मोहित, आपने चमत्कार किया, पूछ लीजिए सर। सर मैं मोहित हूँ, न्यूज़ नेशन से। नहीं जानता हूँ, जानता सर। लगातार पिछले घोटालों में भी आपने जेपीसी की बात की थी, आपने हर जांच की बात की, और ये एक बड़ा घोटाला सामने आया, इसमें भी आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि लोग जेपीसी की ये लागू करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये जेपीसी लागू करने वाले अगर नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम प्रेशर लगाएंगे, डालेंगे, बट मुझे लगता है कि जो पहले राजनीतिक सिचुएशन थी, जिस इम्प्यूनिटी के साथ प्रधानमंत्री पहले काम करते थे, मुझे लगता है वो अब खत्म हो गया है, तो दूसरा नतीजा आएगा। राहुल जी, ये आखिरी आखिरी है क्या, और दो लेंगे? ये आखिरी आखिरी है, आखिरी आखिरी, ये आखिरी हो गया, इन्होंने कह दिया आखिरी। ओके रंजीता, चुनावी जो रैलियां रही हैं उसमें भी और उसके बाद भी, क्या आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने मदद की है उन उद्योगपतियों को और अमीर बनाने में? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको यह बात समझ आ जाएगी, आपका पैसा गया है, आपकी कमाई गई है, आपको नुकसान हुआ है, और इसमें करोड़ों युवा हैं
जो ईमानदार हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी और आपने उन पर भरोसा किया, मगर सच्चाई ये थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी, 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था 220 सीट का, वो उनके हाथ में था। तो मेरा ये सवाल है और मैं आपसे इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है। और हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी की है, वो आपके जेब से गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, और ये कौन लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये रेड रेड चार्ट जो है इसको देख लीजिए, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग है ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है, और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसका, इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद के लिए, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। धन्यवाद। हक की आवाज, अक्स टीवी, रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड।